टिल्मा एच टैबलेट क्या है और किस काम आती है, इसके बारे में बात करेंगे। टिल्मा एच टैबलेट है, ये ब्लड प्रेशर की दवाई है। टिल्मा एच के अंदर दो साल्ट होता है, एक होता है टेलमिसार्टिन और एक होता है हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। ये दोनों साल्ट ब्लड प्रेशर में ही काम करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से करते हैं। टेलमिसार्टिन होती है जो कि एक तरीके का एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, जो डायलेट करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, उससे बीपी कम होता है। हाइड्रोक्लोरथाइजाइड क्या करता है, जो शरीर में ब्लड है उसके अमाउंट को कम करता है, बेसिकली डायूरेटिक जैसा काम करता है, शरीर में से पानी निकालता है, तो उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये दोनों दवाइयाँ जब एक साथ मिला दी जाती हैं, जैसे कि टिल्मा एच टैबलेट में होता है, तो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करती है। मतलब एक दवा लेने से अच्छा है जब दो दवाइयाँ मिल जाती हैं, तो बहुत अच्छे से बीपी कंट्रोल होता है। और स्पेशली उन्हीं लोगों को रिकमेंड किया जाता है जिनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है या ज़्यादा लिखा गया है। तो ये टिल्मा एच हो गई ब्लड प्रेशर की दवाई। अब इसको खाते समय ये बात जरूर ध्यान रखें कि जिस डॉक्टर ने लिखा है, जितनी डोज में लिखा है, उसको पूरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। यूजली ये टेबलेट जैसे 40 मिलीग्राम इसमें टेलमिसार्टिन एंड 12.5 मिलीग्राम हाइड्रोक्लोरथाइजाइड होता है। कॉम्बिनेशन अलग भी हो सकता है, मोस्टली यही चलता है एडल्ट के लिए। और दिन में एक बार रिकमेंड करी जाती है, खाना खाने के बाद, चाहे सुबह चाहे शाम, समय आप फिक्स कर लें, दवा खाते रहेंगे, ब्लड प्रेशर अपना नपवाते रहेंगे। दवाई को अपने मन से कभी भी नहीं बंद करना है, ना तो दवा का टाइमिंग चेंज करना है, ना अपने मन से कभी बंद करना है, ना इसका डोज कम ज़्यादा करना है। जब भी आपको करना हो, चाहे हल्के फुल्के साइड इफेक्ट के कारण ही करना पड़े, तो हमेशा जाना है अपने डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि ये दवा से अगर साइड इफेक्ट आएंगे तो हो सकता है दूसरी दवा दी जाए, लेकिन अपने से ये दवा बंद नहीं करना है। साइड इफेक्ट की बात करें तो ये दवाई बहुत ही सेफ सुरक्षित है, सालों तक खा सकते हो, महीने तक खा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, उसको क्योर नहीं करती। ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने साल भर खाई, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। जो उसके लक्षण है उसको कम करके रखती है, ब्लड प्रेशर को कम करके रखेगी, तो ब्लड प्रेशर के कारण आपके शरीर में होने वाले जो नुकसान है वो नहीं हो पाएंगे। ये दवा सिर्फ इतना ही करती है, और साइड इफेक्ट मोस्टली इसमें नहीं आते। जब आते हैं बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जैसे कि चक्कर आना, कमजोरी लगना, थकान लगना, कुछ लोगों का मुंह सूखना, बेसिकली तो इस तरह की समस्या हो सकती है। दो इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, एक तो है कि आपको पोटेशियम की जांच कराते रहना है, क्योंकि ये पोटेशियम बढ़ाती है, हाइपरकैलेमिया कराती है, तो वो एक खतरनाक बात है, उसको करेक्ट करना होता है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। और दूसरा कि बहुत लंबे समय में बहुत ही रेयर केस में लीवर के अंदर डैमेज कराती है। दो ये इम्पॉर्टेंट सीरियस साइड इफेक्ट है, बाकी के साइड इफेक्ट हैं वो धीरे धीरे जिनको आते हैं हल्के रहते हैं और समय के साथ ठीक हो जाते हैं। और जब ये दवा स्टार्ट होगी तो इनिशियली थोड़ी सी ज़्यादा समस्या आती है शुरू के 1-15 दिन। और एक बात का और इम्पॉर्टेंट ध्यान रहता है कि जैसे आप सो के उठते हो या लेटे रहते हो, बैठे रहते उठते हो, तो हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर कम हो, तो थोड़ा सा आपको कमजोरी सा लगे, चक्कर थकान सी लगे। अब ये दवा किसको नहीं रिकमेंड करी जाती, कंट्राइंडिकेशन की बात करें किनको नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों को जिसको इस दवा से एलर्जी है, टिल्मैच खाने से पहले एलर्जी हो चुकी है, इसके अलावा छोटे बच्चे हैं 15 साल से कम, उनमें नहीं दी जाती, प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती, गर्भावस्था में नहीं दी जाती, और ऐसे लोगों को जिनको हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम बढ़ा हुआ हो या सीवियर लीवर डैमेज हो, तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें ये नहीं लिखी जाती। प्राइस की बात करें तो थोड़ी सी महंगी है, एक टेबलेट अराउंड ये 17-18 रुपीज की पड़ती है, दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए थोड़ा सा महंगा है। हालांकि ये टिल्मा एच बहुत पॉपुलर है, इसलिए मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि अगर किसी को चल रही होगी तो इससे संबंधित जो कुछ बातें हैं वो उनके समझ में आ जाएंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही कि ब्लड प्रेशर की दवाई है, सेफ है, सुरक्षित है, जितना डॉक्टर ने बोला उतना ही खाना है, अपने से नहीं बंद करना है, साइड इफेक्ट कोई खास ज़्यादा आते नहीं हैं, जब आते हैं तो उनको भी ठीक करा जा सकता है। तो इस दवाई के बारे में ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, उम्मीद है ये हेल्पफुल होगा। थैंक यू।